हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे केले का रायता। ये रायता पके केले और दही से बनाया जाता है, जो कि खाने में बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट होता है। आइए देखते हैं झटपट से बनने वाले रायते को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कप दही लेंगे। ये गाढ़ा दही है एकदम, और इसको अब हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, उसको मैंने साइड में रख दिया। अब हमने लिया है एक केला, ये बड़े साइज़ का केला है और एकदम पका हुआ केला लेना है हमें इसके लिए। अगर कच्चा होगा तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इसे छील लेते हैं। अब इसका छिलका उतार के अलग कर देंगे और इस केले को अभी हम कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको तीन पोर्शन में डिवाइड कर लिया है, उसके बाद मैं इसे काटूंगी। मैं जब भी केले का रायता बनाती हूँ उसमें छोटे छोटे पीस डालती हूँ। आपको चाहिए तो आप लंबाई में काट कर डाल सकते हैं, गोल रिंग की तरह काट के डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा छोटे छोटे पीस ही रायते में यूज़ करती हूँ। तो ये केला मैंने काट लिया है, अब हम इसे मिक्स करेंगे दही में। तो सबसे पहले हम दही में केला डाल देते हैं और इसको हमें बहुत हल्के हाथ से चलाना है। अगर आपने इसको बहुत तेज चला दिया तो ये केला पूरा मैश हो जाएगा इसमें, तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें मुंह में एक एक दाना दाना केला आना चाहिए। और इसमें आप शुगर अपने पसंद के अनुसार मिला सकते हो, पर केला एकदम पका हुआ और मीठा था तो मैंने इस रायते में शुगर का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा। इसके बाद ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। ये है सूखा पुदीना, पत्तियां मैंने तोड़कर पुदीने की और सुखा ली थी और उसका मैंने ऐसे करके पाउडर बना के रखा हुआ है फ्रिज में, जब चाहिए रायते में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश पुदीना भी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको चला देती हूँ, रायता बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसे ऊपर से धनिया डाल देंगे। धनिया का भी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है रायते में। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये रायता आप खाने के साथ खा सकते हैं, साइड डिश की तरह, रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल चावल खाते हैं उसके साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये रायता। अब इसमें ऊपर से थोड़ी हम लाल मिर्च डाल देंगे और ऊपर से कटा हुआ धनिया। तो बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इतनी झटपट से बनने वाली आसान सी रेसिपी थी। ये देखिए पास से कितना अच्छा लग रहा है ये रायता। जितना ये पास से अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में यमी यमी है। तो आप इस रेसिपी को झट से बनाइए और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। Thank you so much.